हेलो फ्रॉम द ऑनेस्ट जैप। तो आपने कभी मॉडलिंग के बारे में सोचा है या फिर मॉडल हो? अगर नहीं भी हो तो कभी ना कभी विचार तो किया होगा कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ मॉडल एंड हाउ हार्ड इट इज टू बी अ मॉडल। तो ये जानने के लिए ना इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि एंड में ना एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तो देखो ना। So just one thing, ki, like you have the journey till now, and what are the basic hardships? Like convincing the family was the major part, difficulty, or entering into the industry, and like now you are in the industry. So what is the major difficulty you have faced till now in the whole journey till now? जब तक parents को नहीं समझाया था, तो वो सबसे मुश्किल था। आगे आने के बाद जो industry में entry लेनी थी, तब वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो जब तुम पीछे पीछे छोड़ते हुए चले जाते हो, वो चीज़ें ईजी लगने लग जाती हैं कि अरे यार पेरेंट्स को तो इतनी आसानी से समझा लिया था, पर उस टाइम पे वो भी आसान नहीं था। फिर इंडस्ट्री में घुसना और वहाँ सर्वाइव करना, That's वो really बहुत मुश्किल है। फिर तुम्हारे जो ऊपर लोग बैठते हैं, उनकी ये सुनना कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो इंडस्ट्री में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, वो कॉमेंट्स और उनको लेके घर जाना, वो बहुत मुश्किल है। और इन चीज़ों के बीच एक कास्टिंग काउच वाली चीज़ आ जाती है जो हर लड़की फेस करती है। तो कास्टिंग काउच का सीन क्या है? बेसिकली इतनी मैं प्रोड्यूसर तक की तो बात नहीं करूँगी क्योंकि वो चीज़ें मैंने फेस नहीं की हैं, पर मेरा शो ही था एक चंडीगढ़ में, मॉडलिंग का ही शो था, तो उसके लिए हमें कुछ दिन पहले जाना था वहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी, अगर जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है और मैं वहाँ पे एग्जिस्ट करती हूँ तो मैं वो नहीं होने दूंगी। बट सैड थिंग इज कि कुछ लड़कियां इन चीजों में जब घुस जाती हैं कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, ऊपर जाने के लिए इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी 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 सैड। और फिर जब तुम्हें सामने वाला ये बोलता है कि अगर तुमने आज ये नहीं किया तो तुम यहाँ तो काम ले ही नहीं पाओगे, इंडस्ट्री में भी नहीं घुस पाओगी, या तो पैसे या फिर सेक्स, दो चीजें तुम्हें आगे लेके जा सकती हैं, विच आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। क्योंकि जितनी भी आज बहुत सक्सेसफुल लेडीज हैं, तो तुम हर किसी के, मैं कंगना नहीं हूँ जो हर किसी के ऊपर ये ब्लेम डाल सकूं कि अरे यार ये यहाँ तक पहुंचे होगी जरूर, इसने कुछ गलत किया होगा। नहीं, वो उनकी अपनी जर्नी है, अपनी मेहनत है, किसी के कनेक्शंस हैं, किसी की जर्नी इतनी इतनी स्ट्रांग रही है, उन्होंने खुद को इतना स्ट्रांग किया है। अगर वो कुछ गलत हुआ भी है तो वो उन्होंने उनके मेंटल स्टेट पे वो असर पड़ा होगा, उन्होंने ये सोच के नहीं किया होगा कि मुझे आगे जाना है तो मुझे करना पड़ेगा। Exactly. तो मैं ये नहीं बोल सकती कि उन्होंने जो उस टाइम पे किया होगा वो गलत है या नहीं, वो सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं, वो सिचुएशन ऐसी होती है, ना तुम उससे भाग सकते हो ना तुम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। True. तो उस चीज के थ्रू तुम्हें जाना पड़ेगा, पर उस चीज को तुम आगे जाने में यूज कर सकते हो। मैं उस चीज को अगर आगे जाने के लिए यूज करूँ तो मैं खुद की नजरों में बहुत गिर जाऊंगी और कि मैं इस स्टेप को लेके यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं किसी को बता ही नहीं सकती कि मेरी जर्नी क्या है। Exactly. और साथ ही साथ अगर कोई बंदा एक्सेप्ट करता है ये चीजें तो ये इनकरेज करती है इन चीजों को। एग्जैक्टली Exactly. वो इनकरेज लड़कियों को भी करती है कि चल इसने भी तो कर लिया, क्या हो गया, इसने किया तो ये आज यहाँ है, और आज जब ये मुझे मना कर रही है ना तो शायद ये चाहती नहीं कि मैं वहां तक पहुंचू। नहीं, इट्स नॉट ट्रू। वो तुम्हें इसलिए मना करेगी क्योंकि उसने वो चीजें फील की हैं, वो गिल्ट उसके अंदर आज तक है जो वो नहीं चाहती कि किसी और को मिले। सिंपल। और अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और वो उस चीज को छोड़ के अब सामने वाले को ये बोलेगी कि ठीक है ये हुआ वो हुआ, अब मुझे ये चीज चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, उससे सामने वालों को फिर एनकरेजमेंट मिलता है कि ठीक है एक बार हो जाएगा ना तो अपने आप समझ जाएंगे कि इनको कहाँ जाना है। तो दोनों तरफ से एनकरेजमेंट मिलती है फिर, लड़कियों को भी लड़कों को भी। मतलब But this thing is destroying the industry overall, actually. Exactly. Because every parent will be scared to send their girls into this industry if they are going to see that casting couch is still going on. Still going on. And we are in 2022, man. And what is this happening? This just feels really very sad and depressing. Exactly. Just because that we are encouraging these type of things. Exactly. Or मतलब ये चीज़ें जब होती हैं तो तुम्हें parents का सोचना या फिर उनका वो समझ आता है कि वो इतने क्यों डरे हुए थे। But you need to be that much strong to deal with that shit. ठीक है, उस चीज को लेके चलना और फिर सब कुछ छोड़ देना, ये एक चीज है। नोएडा में जब मैं शूट कर रही थी आउटडोर,
और मेरी एक ड्रेस पे इतना कांड हो गया था कि एक लड़का अनकंफर्टेबल हो गया था कि मैंने ये कपड़े पहने हुए और बात पुलिस तक चली गई थी. एंड आई एम वेरी 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 सैड टू से कि वहां पे पुलिस हमसे क्वेश्चन कर रही है, मुझसे क्वेश्चन कर रही है कि मैंने ये कपड़े पहने हैं या ऐसे क्यों पहना या ये पहना. इट्स माय चॉइस डूड. तुम डेली कच्छे में घूमते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहती, कोई लड़की तुमसे ये नहीं कहती कि तुम कच्छे में बैठे हो तो ऐसे बैठो, कच्छा पहना तो ऐसे बैठो, कोई तुमसे नहीं बोलता. एक लड़की शॉर्ट्स पहन के बैठ नहीं सकती है ढंग से, उसको ऐसे कवर करके बैठना पड़ता है. तो ये इतनी हिपोक्रेसी क्यों यार? तुम बनियान पहन के बाहर जा सकते हो, तुम शॉर्ट्स पहन के बाहर जा सकते हो, हमारा थोड़ा सा टांग दिख जाए तो तुम्हें इतनी दिक्कत होने लग जाती है कि तुम ये पहन के यहाँ क्यों आ गए, यहाँ तो फैमिलीज आती हैं. अच्छा, तुम जब ऐसी ड्रेसिंग करके आते हो तब यहाँ फैमिलीज नहीं आती. तुम उन फोटोज को लाइक करते हो, देखते हो. एग्जैक्टली मतलब या तो उस चीज को बिल्कुल प्रमोट ही मत करो, उस चीज में इंटरेस्ट ही मत दिखाओ, उस चीज को छोड़ दो, रिपोर्ट कर दो, जो करना है करो. उस चीज में इंटरेस्ट भी दिखाना है और वो चीजें होनी भी नहीं चाहिए. ऐसे कैसे चल सकता है? सत्य वचन. हाँ, तो अब आप यहाँ तक आई गए हो तो मैं आपको बताता हूँ सरप्राइज क्या है. तो सरप्राइज ये है कि ये वीडियो ना हमारे एपिसोड का एक पार्ट है और ये पूरा एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा. और अब सोच रहे होगे कि हम पूरे वीक क्या देखेंगे, तो इसीलिए हम रेगुलरली वीडियोस डालेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि आपको ना मौज आए. तो बस आपको ना लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आप हमें सपोर्ट दोगे तभी तो हम आपको कंटेंट देंगे. Signing out, The Honest Champ.